दो जनवरी के दिन नए साल का पहला एकादशी व्रत अर्थात पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में एकादशी व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि जो कोई पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करता है उसे संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। बता दें कि इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी को रखा जाएगा। कहते हैं कि इस दिन बेहद विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करने से ही आपको फल प्राप्त होता है और इस दिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, लेकिन किसी का दिया हुआ अन्न खुद ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन कर लें। उस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबुदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन ना करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए।